बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है, बेवफा क्यों तू। जब हम लोग बुश को इनको मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड सबको नकारते हैं तो इसके भी हमें अपनी भाषा को पहले आगे करना चाहिए। सुनिए, बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है, देख घर में तेरे हिंद की शान है, देख घर में तेरे हिंद की शान है। बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है। मैं हिंदी की जानिब से उर्दू को नजर कर रही हूँ। ये है ये जो नज़्म है, सुनिएगा। बात करने से उर्दू में डरता है क्यों, सोचती हूँ कि नाहक झिझकता है क्यों, हे इसको तू आखिर समझता है क्यों, मेम के हुस्न पर ही मचल है क्यों। तेरी उर्दू अगर सांवरी है तो क्या, घूंघटे में छुपी बादरी है तो क्या, नाक नक्शा तो इसका भी कुछ कम नहीं, इसके भी रूप की आंच मध्यम नहीं, सर से ये पैर तक एक गुलिस्तान है, सर से। शुक्रिया। बात करने से उर्दू में डरता है क्यों, सोचती हूँ कि नाहक झिझकता है क्यों, हे इसको तू आखिर समझता है क्यों, मेम के हुस्न पर ही मचलता है क्यों। तेरी उर्दू अगर सांवरी है तो क्या, घूंघटे में छुपी नाक नक्शा तो इसका भी कुछ कम नहीं, इसके भी रूप की आंच मध्यम नहीं, सर से ये पैर तक एक गुलिस्तान है। बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है, हिंद ही इसका उद्गम है उद्गार है, अपनी मिट्टी से इसको बहुत प्यार है, रीत अपनी यही यही त्योहार है, अपनी वाणी का इससे ही सिंगार है, कितनी सादा सहल है मगर आग है, इसके हर लाज में लह और राग है, उच्च है ये बहुत खानदानी है, ये हकीकत है अपनी कहानी है, ये दीन है ये मेरा तेरा ईमान है, दीन है ये मेरा तेरा ईमान है। बेवफा क्यों तू इंग्लिश पे कुर्बान है। और अब देखिए, जो बंद मैं आप तक पहुंचा रहा, उसके आखिरी जो मिसरा उस पर आप गौर कीजिएगा, सुनिएगा। जो है गैरों की जोरू ना अपना उसे, अपना हरगिज बनाना न सपना उसे, हाँ उसे मान दे और सम्मान दे, उससे कुछ ज्ञान ले उसको कुछ ज्ञान दे। जो है गैरों की कहलाएगी, अपनी पहचान अपनों से हो पाएगी, आज मिलकर चलो एक वादा करें, इसको अपनाएंगे ये इरादा करें, अपने भारत की जायज ये संतान है, अपने भारत की जायज ये संतान है। देखिए, सिर्फ हिंदी ही नहीं है, मतलब इस देश की भाषा उर्दू भी है, इसलिए मैं हिंदी की तरफ से हिंदी के अल्फाज का इस्तेमाल करके पहुंचा रही हूँ। और अब देखिएगा कि क्यों हम लोग अपनी जबानों को नकारते हैं। हाय करती नहीं, बाय करती नहीं, तमाम शोरा की तरफ से, अपने सर से ये पल्लू झटकती नहीं, हाय करती नहीं, बाय करती नहीं, अपने सर से ये पल्लू झटकती नहीं, पार्टी महफिलों की ये भाषा नहीं, आज के नौजवानों की आशा नहीं, इसका मतलब नहीं है कि अनपढ़ है ये, सिर्फ सूखा
है सहरा है पतझड़ है ये, इसका साहित्य सदियों से अनमोल है, जब तलक आप हैं इसका भी मोल है, जौहरी को ही हीरे की पहचान है।